एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह इवनिंग में मैं आ गई हूँ आपके लिए आपके पर्सन के मैसेजेस लेकर। आज मैं देखूँगी आपके मैसेजेस उनके लिए और उनके मैसेजेस आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज। यहाँ पर ये दो डेक से मैं लूँगी मैसेजेस। तो पहले हम यूज़ करेंगे ये डेक और इस डेक से हम लेंगे आपके लिए मैसेजेस और उनके लिए मैसेजेस। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी मेरे राइट साइड में और आपके पर्सन की एनर्जी मेरे लेफ्ट साइड में। विल कट दिस डेक इनटू टू। ओके, मैसेज की रीडिंग है और मैसेज का कार्ड खुद ही आ गया है, तो ये म्यूचुअल कार्ड है। आप भी बात करना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं और आपके पर्सन भी आपसे बात करना चाहते हैं। ये चीज़ें, ये वाइब्रेशन यहाँ से निकल कर आई है गाइस। तो ये म्यूचुअल एनर्जी है, दोनों की एनर्जी है। देखते हैं आप इस वक्त अपने पर्सन से क्या कहना चाहती हैं या क्या कहना चाहते हैं। आप अपने पर्सन से कहना चाहते हैं कि मुझे अब मूव ऑन कर लेना चाहिए क्योंकि मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन आप ये भी कहना चाहते हैं कि आपसे मूव ऑन भी नहीं हो रहा। मतलब आप इस कदर इस पर्सन के प्यार में इन्वॉल्व हैं कि आप न रह पा रहे हैं इनके बगैर, न मूव ऑन कर पा रहे हैं। आप क्रेव कर रहे हैं इनके कम्युनिकेशन के लिए, इनके लिए इस हद तक आप इनसे प्यार करते हैं। इसका जवाब क्या दिया है आपके पर्सन ने? आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि जैसे चिड़िया को घोंसला बनाने में समय लगता है, एक घर बनाने में समय लगता है, बसने में समय लगता है, तो आपको सब्र रखने की ज़रूरत है। सब कुछ होगा बट अपने समय से होगा। हड़बड़ी में कोई डिसीजन मैं नहीं ले सकती या मैं नहीं ले सकता। ये मैसेज है आपके पर्सन का इस क्वेश्चन के जवाब में। सेकंड जो कार्ड है आपके लिए वो है द स्टार। इनकी इस बातों से आपको थोड़ी होप तो मिल जाती है। आपको ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, मेरा पर्सन एटलीस्ट ये तो बोल रहा है ना, ये तो नहीं बोल रहा कि शादी नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, कमिटमेंट नहीं दूँगा। आप अपने आप को समझाने लगते हैं, आप अपने आप को ही कहते हैं ना कि बोलने लगते हैं कि नहीं ठीक है, शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ या ज़्यादा सोच रही हूँ, मुझे ट्रस्ट करना चाहिए अपने पर्सन पे। आप हो सकता है उनसे भी ये चीज़ें पूछते हों कि क्या होप है, क्या हम एक हो पाएंगे। इसके जवाब में आपके पर्सन आपको कह रहे हैं यस, बिकॉज स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि समय आने पर ये आपके लिए हर वो डिसीजन ले सकती हैं या ले सकते हैं जो रिक्वायर्ड है। लेकिन आपको इन पर भरोसा रखना है, ऐसा इनकी कंडीशंस है। आप में से कुछ लोगों का मैसेज आपके पर्सन के लिए ये भी है कि क्या आप चीट कर रहे हैं मुझे, क्या आपका किसी और के साथ अफेयर है या आप किसी और के साथ चैट करते हैं। अगर आपका क्वेश्चन यहाँ पिक हुआ होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये वाइब्रेशन यहाँ पर मौजूद है। आपके पर्सन का जवाब क्या है? आपके पर्सन इसके जवाब में ये कह रहे हैं कि मेरे पास बेफालतू के काम का समय नहीं है, मुझे अपनी लाइफ में स्टेबल होना है, मुझे अपनी लाइफ में इतनी बुद्धि है, इतनी कॉन्शियसनेस है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, तो मुझे शिक्षा मत दिया करो। ठीक है, आपके पर्सन को इस बात से बड़ा बुरा लग रहा है। फिर आपका मैसेज है आपके पर्सन के लिए कि अगर इतना ही प्यार करते हो मुझसे तो मुझे न्याय कब दोगे, मेरे लिए कब वक्त है, मेरे लिए कब सोचोगे, इस रिश्ते के लिए कब सोचोगे। आपके पर्सन का जवाब है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैं आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव हूँ और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। कभी भी ऐसा मत सोचना कि मैं इनजस्टिस करूँगा या करूँगी या होने दूँगा तुम्हारे साथ। फिर हमारे पास जो मैसेज है वो है एस ऑफ सोर्ड्स। आप चाहते हैं, आपकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपके पर्सन से, प्लीज़ मुझसे कम्युनिकेट करते रहा करो, मुझे ब्लॉक मत किया करो, ये वाला जो तुम्हारा ड्रामा है ब्लॉक अनब्लॉक, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इसके जवाब में आपके पर्सन कह रहे हैं ओके, मैं तब तक आपके साथ रहूँगा, बात करूँगा जब तक आप पॉजिटिव हो। जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि आप छोटी छोटी बातों पे झगड़े कर रहे हो, मुझे ड्रेन कर रहे हो, मेरी एनर्जी लो कर रहे हो, शक कर रहे हो या बेफालतू की बातें कर रहे हो जिससे मुझे गुस्सा आ रहा है,
तो मैं कुछ तुम्हें बोल नहीं सकता, मैं तुम्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, इसलिए मैं शांति से अपने आप को कट ऑफ कर लेता हूँ ताकि मैं हील हो सकूँ। नेक्स्ट मैसेज है आपकी तरफ से, ये सब होने के बाद आप अपने पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, हो सकता है आप उन्हें कोई GIF भेजना चाहते हैं, कोई रोमांटिक सा, या हो सकता है कि आप उनसे कोई प्यार भरी शायरी शेयर करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि आप उन्हें कोई अपनी प्यारी सी पिक भेज सकते हैं, उन्हें मनाने की कोशिश कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि यार अपना क्वेश्चन तो कोटा मैंने पूछ लिया, अब ये नाराज़ ना हो जाए तो इसको पटा लो। इसके जवाब में आपके पर्सन कह रहे हैं कि बहुत दूर की सोच के बात करते हो। आपके पर्सन आपको ये भी सांत्वना देते नज़र आ रहे हैं कि हमारा घर ज़रूर होगा, हम सब एक ज़रूर होंगे, हमारी फैमिली प्लानिंग, मुझे तुमसे ज़्यादा चिंता है, तो बेफालतू की टेंशन न लिया करो न दिया करो। बॉटम ऑफ द डेक है आपकी तरफ से द चैरियट। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन अगर आ जाएं तो वापस ना जाएं, कभी भी वापस ना जाएं आपको छोड़कर। आपको उनके ईगो से, उनके छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाने से, उनके लॉजिकल एटीट्यूड से थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इसके जवाब में आपके पर्सन का है क्वीन ऑफ कप्स। आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग है, और ये जानते हैं कि आप भी इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो, बहुत नर्चरिंग हो, बहुत केयरिंग हो, बट इनकी बस इतनी सी प्रॉब्लम है कि अगर आप इनके साथ अच्छे हो, इनकी एनर्जी को बढ़ा रहे हो, पॉजिटिव कर रहे हो, तो ये हमेशा आपके साथ रहेंगे। बट अगर इन्हें कभी भी ऐसा लगेगा कि आप छोटी छोटी बातों पे ट्रिगर कर रहे हो, शक कर रहे हो, इनकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हो, तो क्योंकि इनके ऊपर और भी जिम्मेदारियां हैं, हो सकता है कि ये आपसे डिटैच हो जाएं, भले टेम्प्रोरी, कुछ टाइम के लिए। म्यूचुअल एनर्जी मैसेज की है, तो आप दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं। लेंगे हम कुछ और कार्ड्स, विल टेक थ्री थ्री कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। देखते हैं क्या एनर्जी है। आप कहना चाहते हैं आपके पर्सन से कि आप इनके साथ फिजिकली, इमोशनली, मेंटली एक होना चाहते हैं, आप मिस कर रहे हैं इनको। आपके पर्सन भी आपके साथ होलनेस में आना चाहते हैं, ये भी आपके साथ ही बैलेंस फील करते हैं। आपके लिए जो मैसेज आया है वो है एक्सपेक्ट मिरेकल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिश्ते में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, अगर आप दोनों चाह जाएं तो सब कुछ पॉसिबल है। इसके जवाब में आपके पर्सन भी कहते हैं कि यस, ये जो रिलेशनशिप है ये कुछ रफ़ एंड टफ़ फेजेस से ज़रूर गुजरा है, लेकिन एक ना एक दिन इसका रिज़ल्ट बहुत खूबसूरत होगा। आपके पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके पर्सन आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ये मैसेज है। आप भी कनेक्ट होना चाहते हैं, और आपके पर्सन के लाइफ में कुछ ब्लॉकेजेस हैं जिनको वो हील कर रहे हैं, बहुत जल्द आपसे कनेक्ट होंगे। तो गाइज, ये थी आज की एक शॉर्ट रीडिंग, मैसेजेस आप दोनों के एक दूसरे के लिए। रीडिंग अगर आपको पसंद आई हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो मैं 2-3 दिन में कोशिश करूँगी कि आपके लिए ये रीडिंग लेकर आऊँ। सो थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।